नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए आज हम जो आपको टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है जो किसी न किसी परीक्षा में हर एक पर्सन उस टॉपिक से बनते हैं। चाहे कोई बैंकिंग की परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, एचएसएससी की परीक्षा है, या फिर एसएससी की परीक्षा है, या फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जिससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन ज़रूर बनता है। तो इसको हम दो से तीन भागों में पूरा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आए भाई, सागर क्लासेज में स्वागत है आपका। सागर क्लासेज, देखिए सागर क्लासेज रोहतक में स्वागत है। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स महात्मा गांधी से रिलेटेड टॉपिक करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी तो हरियाणा में, ये भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धुरी रहे हैं। वर्ष 1915 से 1947 का जो टाइम पीरियड था वो इन्हीं के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कुछ एक यूनिक चीज़ें आएंगी जो आपने कभी पहले पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं, लेकिन यदि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के छात्र हैं तो क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर बनते हैं। हर एक जो पॉइंट आज यहाँ पे मैंने आपके लिए दर्शाया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में स्टूडेंट्स ज़रूर वो पर्सन मिला है। तो काफ़ी एक तरह से मेहनत करके कंटेंट जुटाया है, तो इसको देखिए भाई। सागर क्लासेस रोहतक, महात्मा गांधी। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनके जन्म की बात करते हैं, तो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्मदिन होता है, और होता है पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है, और इनके जन्मदिन अर्थात 2 अक्टूबर को ये अहिंसा के पुजारी थे, इस कारण से स्टूडेंट्स अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु देखिए स्टूडेंट्स, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु होती है। नाथूराम गोडसे के द्वारा कुछ एक राजनीतिक कारणों के कारण से इनको गोली मार दी जाती है, और ये भी पूछा गया है कि अंतिम शब्द क्या थे जब इनकी मृत्यु होती है, तो स्टूडेंट्स इनके अंतिम शब्द थे हे राम, हे राम इन्होंने 3 बार उस समय बोला था। और 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं स्टूडेंट्स, शहीद दिवस। इसी दिन कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है। बता दें कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। दूसरा स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जो है वो 1896 में एक कंपनी की केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहाँ से ही वापिस आए 9 जनवरी 1915 को ये वापस लौटे, तो 9 जनवरी को स्टूडेंट्स मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2003 से इसकी शुरुआत हुई है, 2003 से। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन के जो कि अब समाप्त हो चुका है स्टूडेंट्स, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई, और टारगेट रखा गया था 2019 तक हम सुलभ शौचालय देश में प्रोवाइड करवाएंगे और स्वच्छ भारत मिशन को चलाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स स्वच्छ भारत मिशन भी इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर चलाया गया है, और भी काफ़ी योजनाएँ हैं भारत में जो इनके जन्मदिन के ऊपर ही स्टार्ट हुई हैं। तो अब तक क्या किया भाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869 और इनके जन्मदिन को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, जन्म कहाँ हुआ, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है, और मृत्यु 30 जनवरी 1948 किसने की, नाथूराम गोडसे, राजनीतिक कारणों के चलते नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी, और उसके कारण से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। दूसरा स्टूडेंट्स, ये राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए 9 जनवरी 1915 को भारत आए। वैसे पहले 1901 में स्टूडेंट्स ये आ चुके थे, लेकिन राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए ये 1915 में 9 जनवरी को आए थे, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। दूसरी चीज़ देखें, इनके जन्मदिन के ही दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब इनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बात करते हैं तो ये पर्सन स्टूडेंट शायद ही किसी बुक में मिले। ये रेलवे में पूछा गया था कि महात्मा गांधी के दादाजी का क्या नाम था, तो उत्तम चंद्र गांधी इनके दादाजी का नाम था। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या था भाई, करमचंद गांधी। दूसरी चीज़ है माता का नाम पुतलीबाई, माता का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट इनके बच्चे, तो बच्चे देखिए स्टूडेंट्स, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो इनके चार पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनके अतिरिक्त एक पुत्र इन्होंने गोद भी ले रखा था, बजाज के नाम से स्टूडेंट्स गोद भी इन्होंने ले रखा था। अब देखें हरियाणा डी ग्रुप में पूछा गया था महात्मा गांधी का प्रिय भजन, तो महात्मा गांधी का प्रिय भजन है स्टूडेंट्स वैष्णव जन तन कहिए, वैष्णव जन तन कहिए पीर पराई जानो रे, पीर पराई जानो रे, वैष्णव जन तन कहिए पीर पराई जानो रे। इसके रचयिता जो हैं स्टूडेंट्स नरसिंह मेहता हैं, तो ये इनका प्रिय भजन था। दूसरा जो इनका प्रिय भजन था वो था रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। ये स्टूडेंट्स इनका दूसरा प्रिय भजन था, जो हमेशा ये दोनों भजन हमेशा गुनगुनाते रहते थे। और दूसरा जो भजन था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसके रचयिता विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो जो हरियाणा डी ग्रुप में पूछा गया था वो पूछा गया था वैष्णव जनतन कहिए पीर पराई जानो रे के रचयिता कौन है, तो नरसिंह मेहता इसके रचयिता हैं और ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन हुआ करता था। नेक्स्ट देखें उपाधि, महात्मा गांधी को स्टूडेंट्स अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग उपनामों से पुकारा है, उनको उपाधि दी है, तो तकरीबन परीक्षाओं में बन जाता है कि भाई ये उपाधि महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने दी, ये किस व्यक्ति ने दी। तो देखिए बापू, बापू महात्मा गांधी को पुकारा था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं, उन्होंने इनको बापू कहा। नेक्स्ट है महात्मा, महात्मा शब्द इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। इसके बाद में है राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता स्टूडेंट्स इनको कहा किसने, सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा। और एक वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। नेक्स्ट है भारत का अर्धनगन फकीर, ये विस्टन चर्चिल ने इनको भारत का अर्धनगन फकीर कहा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स इनके कुछ एक प्रसिद्ध पत्र हैं। पत्र से पहले हम आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी इन्होंने भी कुछ व्यक्तियों को उपाधियां दी थी, जिस तरह से इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को इनको कवि गुरु कहा था, सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने नेताजी कहा था, और जो राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे इनको इन्होंने देश रत्न कहा था। तो गांधी ने भी कुछ व्यक्तियों को उपाधियां दे रखी हैं, गांधी को भी कुछ व्यक्तियों ने उपाधियां दे रखी हैं। तो इनमें से एक पेपर में बन ही जाता है कि बापू किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और वही वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, भारत का अर्धनगन फकीर चर्चिल ने इनको कहा। और इन्होंने क्या उपाधि दी, गांधी ने किस, रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा, और भाई राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा, और इसको रविंद्रनाथ टैगोर, इसको सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। नेक्स्ट देखें इनके कुछ एक पत्र हैं स्टूडेंट्स, प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया जो प्रसिद्ध पत्र है स्टूडेंट्स इनका 1919 में आया और इसकी भाषा थी इंग्लिश भाषा में यह पत्र था। दूसरा पत्र था नवजीवन पत्र, ये भी 1919 में आया
और इसकी भाषा थी गुजराती। ये गुजराती भाषा में था स्टूडेंट्स नवजीवन। दूसरा हरिजन, हरिजन जो पत्र था ये 1933 में इनके द्वारा निकाला गया और इसकी भाषा थी हिंदी। तो इस तरह से इंग्लिश, गुजराती और हिंदी तीनों पत्र अलग अलग भाषाओं में थे। यंग इंडिया, नाम ही इंग्लिश में है तो ये इंग्लिश भाषा में था। नवजीवन ये गुजराती भाषा में था और हरिजन हिंदी भाषा में था। नेक्स्ट देखें कुछ एक इनकी पुस्तकें हैं स्टूडेंट्स, पुस्तकें, पुस्तक देखिए हिंद स्वराज, पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में आई और ये गुजराती भाषा में थी हिंद स्वराज। और इसकी रचना एक जहाज पर की गई थी स्टूडेंट्स, बता दें जो नव ये आपका पुस्तक थी इनकी, कौन सी पुस्तक, हिंद स्वराज, ये एक गुजराती भाषा में थी और इसकी रचना एक जहाज पर की गई थी। नेक्स्ट है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो इसका एक पार्ट स्टूडेंट्स मेरे को याद आ रहा है, ग्रेजुएशन में जो ग्रेजुएशन में बीए में इसका एक पार्ट भी है माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। तो उसमें यही मैसेज है कि भाई एक अध्यापक जो है जो क्वालिटी अपने विद्यार्थी में वो जनरेट करना चाहता है पहले उस क्वालिटी को अपने स्वयं में उसको जनरेट करना होगा। जिस तरह से उसमें बताया गया है कि एक झूठा अध्यापक कभी भी अपने बच्चों को सच्चाई के बारे में नहीं बता सकता, इसी तरह से जो भी क्वालिटी वो अपने बच्चों में कन्वर्ट करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, वो क्वालिटी उसको पहले स्वयं में डेवलप करनी होगी। तो ये इस पुस्तक में बताया गया है। 1925 में यह पुस्तक आई और इसकी भाषा क्या थी, गुजराती थी, गुजराती भाषा थी स्टूडेंट्स। दूसरा देखिए महात्मा गांधी के कुछ एक स्रोत हैं, इसके विचारों के स्रोत हैं ये, जिस तरह से इनके मन में सर्वोदय, सर्वोदय का विचार कहाँ से आया, तो स्टूडेंट्स इनके मन में सर्वोदय का विचार आया जॉन रस्किन के अन टू द लास्ट, जॉन रस्किन के अन टू द लास्ट जो नॉवल है, जो उपन्यास है, उनसे इन्होंने सीखा कि सभी का ही विकास होना चाहिए, सर्वोदय सभी का ही उदय होना चाहिए। दूसरा अपने सत्य से संबंधित विचार, जो ये सत्य से संबंधित जो इन्हें बल दिया है वो कहाँ से, तो स्टूडेंट्स टोलस्टॉय, टोलस्टॉय की पुस्तक थी कौन सी, द किंगडम, देखिए द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये टोलस्टॉय, बता दें स्टूडेंट्स टोलस्टॉय जो हैं इनके आध्यात्मिक गुरु भी थे, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो टोलस्टॉय थे। तो टोलस्टॉय की पुस्तक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से इनके जो दिमाग में सत्य से संबंधित विचार जनरेट हुए। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा का जो विचार था स्टूडेंट्स वो थोरो के सिविल डिस ओविडियंस, थोरो के सिविल डिस ओविडियंस से इनके दिमाग में आया क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक स्वच्छ भारत मिशन मैंने बताया था 2 अक्टूबर 2014 को इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर चलाया था, तो स्वच्छ भारत का स्लोगन स्टूडेंट स्वच्छता की ओर एक कदम, स्वच्छता की ओर एक कदम, ये इसका स्लोगन है क्योंकि महात्मा गांधी का ही सपना था। ये प्रधानमंत्री वर्तमान में भी, दूसरी योजना में भी प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टूडेंट्स, तो उन्होंने यह मिशन चलाया था, कौन सा चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि गांधी का सपना था भाई स्वच्छ भारत और सुंदर भारत, स्वच्छ भारत और सुंदर भारत का गांधी का ही सपना था। तो ये था स्टूडेंट्स इसके बारे में पहला इसका ये पार्ट है कि भी महात्मा गांधी से संबंधित थोड़ा सा जीवन परिचय, उसके जो थी उसके कौन कौन से उसकी उपाधियाँ थी, कौन कौन से उसके प्रसिद्ध ये पत्र थे, कौन सी पुस्तक थी उसकी, और उसके विचार जो थे वो उन वो विचार उनके दिमाग में कहाँ से आए। तो इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, गांधी जी, तो इससे आगे बढ़ते हैं। पहला सत्याग्रह, गांधी जी ने स्टूडेंट्स अपना पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण, ये बिहार में जगह है बता दें आपको, बिहार चंपारण बिहार में स्टूडेंट्स 1917 में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह क्या था स्टूडेंट्स, तीन काठिया प्रथा, तीन काठिया प्रथा चलाई अंग्रेज़ों ने। ये तीन काठिया प्रथा क्या थी, इसके विरोध में इन्होंने यह सत्याग्रह चलाया। तीन काठिया प्रथा क्या थी, इस प्रथा में 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। तो अंग्रेज़ों ने जो प्रथा चलाई थी स्टूडेंट्स तीन काठिया प्रथा, उसमें भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था
और इसका विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में चलाया। अब चंपारण में गांधी जी को कौन ले गया स्टूडेंट्स, ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया था, तो पंडित राजकुमार शुक्ला, पंडित राजकुमार शुक्ला जो है वो चंपारण में महात्मा गांधी को ले गए और इसी के बाद इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, पता है आप लोगों को बताया गया है कि भाई महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको दी थी। तो ये कब दी थी स्टूडेंट्स, चंपारण में जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, तीन काठिया प्रथा के विरुद्ध जो अंग्रेजों की प्रथा थी कि भाई 3/20 भाग के ऊपर आपको नील की खेती करना है, इसके विरोध में इन्होंने जो अपना सत्याग्रह चलाया उसके बाद में इनको महात्मा की उपाधि मिली थी। अब देखिए भाई, पहला अनशन, महात्मा गांधी का पहला अनशन, तो पहला अनशन स्टूडेंट्स 1918 में अहमदाबाद, अहमदाबाद इसको स्टूडेंट्स बता दें आपको भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये जगह फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है और मानचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो इस तरह से इनको क्या कहा गया, ये अहमदाबाद में, अहमदाबाद में मिल मजदूरों से संबंधित, मिल मजदूरों का पक्ष इन्होंने रखा जो कि बोनस से संबंधित कोई मामला था। अंग्रेज जो है वो मजदूरों को बोनस देने से इनकार कर रहे थे, इस कारण से स्टूडेंट्स वहाँ पर महात्मा गांधी को कौन लेके गया, देखिए अनसुईया बेन के कहने पर स्टूडेंट्स ये महात्मा गांधी वहाँ गए और इन्होंने अपना पहला अनशन किया, पहला अनशन किया और मिल मजदूर जो थे उनको बोनस से दिलाया। नेक्स्ट देखें, अखिल भारतीय सतर्कता सत्याग्रह जो कंप्लीट पूरे भारत में, ये छोटे सत्याग्रह थे स्टूडेंट्स, जिस तरह से खेड़ा सत्याग्रह था, ये आपका चंपारण सत्याग्रह था, या फिर पहला अनशन अहमदाबाद में था, ये छोटे थे। पूरे भारतवर्ष भारतीय लेवल के ऊपर जो इनका सत्याग्रह था वो था भी रोल्ट सत्याग्रह, रोल्ट सत्याग्रह 1919 के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका रोल्ट का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, अनार्किल एंड रिवोल्यूटरी, अनार्किल एंड रिवोल्यूटरी क्राइम एक्टिविटी, अनार्किल एंड रिवोल्यूटरी क्राइम एक्टिविटी एक्ट इसका अर्थ है। और स्टूडेंट्स बता दें आपको ये 1919 में इसी के विरोध में इन्होंने यह है ये अधिनियम लेके आई थी सरकार, रोल्ट एक्ट अधिनियम, रोल्ट एक्ट अधिनियम लेके आई थी 1919 में। क्या था एक्चुअल में ये, एक इसको काला कानून की संज्ञा भी दी गई थी कि भाई अंग्रेज जिस व्यक्ति के ऊपर भी शक करें कि ये क्रांतिकारी हो सकता है तो उसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और गिरफ्तार करने के बाद में न तो उसको वकील करने की परमिशन थी, न अपनी वो कोई दलील भी कोई नहीं दे सकता था, और भाई न ही वो अपनी वकील कर सकता था। अपील, वकील और दलील, अपील, वकील और दलील का उसमें कोई प्रावधान नहीं था, तो इस कारण से इसको काला कानून भी कहा गया। इसके विरोध में अखिल भारतीय सतर्कता इन्होंने सत्याग्रह किया। बाद में यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटती है स्टूडेंट्स, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है, उसमें निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई गई। उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। बता दें उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी होती है। तो आगे आएंगे ये चीज़ें बारी बारी से सिस्टमेटिक ढंग से देखिए। पहला आमरण अनशन, देखिए यहाँ पे पहला अनशन था और ये पहला आमरण अनशन है, पहला आमरण अनशन। देखिए सांप्रदायिक पंचाट या मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से इनको जाना जाता है, इसका विरोध स्टूडेंट्स महात्मा गांधी ने किया 1932 में यह आया था। मैकडोनाल्ड अवार्ड कब आया 1932 में, या सांप्रदायिक पंचाट कब आया 1932 में, इसके विरोध में जो है यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग निर्वाचन क्षेत्र से यह संबंधित था, अलग निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित था, तो इसके विरोध में इन्होंने पहला आमरण अनशन भी किया। नेक्स्ट देखें 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सरकार के विरुद्ध था यह सत्याग्रह, अकाल के समय में राजस्व की वसूली की जा रही थी और उसको माफ़ करवाने का उद्देश्य था कि भी अकाल है तो किसान कहाँ से जो है अपना लगान देगा,
तो अकाल के समय में राजस्व की वसूली की जा रही थी, इस कारण से इन्होंने पहला क्या किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था 1918 में। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में तो 1893 में गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी किस काम से गए थे, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में। पता है आप लोगों को स्टूडेंट्स, ये वकील थे, तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में यह दक्षिण अफ्रीका में गए, और वहीं पर इन्होंने 1894 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडिया कांग्रेस की भी स्थापना की। नेक्स्ट देखें, दक्षिण अफ्रीका में ही दो आश्रम इन्होंने खोले, दो आश्रम कह सकते हैं उनको, या दो फार्म कह सकते हैं उनको। पहला कब खोला स्टूडेंट्स, कई बार प्रश्न पूछता है, यही ये नाम आ गया स्टूडेंट्स इनका, टॉलस्टॉय जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ विशेष है स्टूडेंट्स, इनके राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, टॉलस्टॉय। तो दोनों अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग इनके गुरु थे। जब ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान करके ये भारत में सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टॉलस्टॉय फार्म खोला, कब खोला गया, 1902 में। कहाँ खोला, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। दूसरा फार्म कौन सा था, दूसरा फार्म था स्टूडेंट्स ये अपना फिनिक्स फार्म। ये कब खोला गया, 1904 में खोला गया। कहाँ खोला गया, डरबन में खोला गया। तो इन्होंने दो दक्षिण अफ्रीका में भी अपने फार्म या आश्रम खोल रखे थे। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये जो प्रसिद्ध हैं दोनों चीज़ें, असहयोग आंदोलन इन्होंने 1 अगस्त 1920 से 1922 तक चलाया, असहयोग आंदोलन, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने चलाया था, जो 1922 में स्टूडेंट्स यह समाप्त हुआ। समाप्ति का कारण क्या था, सुन लीजिए, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक स्थान के ऊपर क्रांतिकारियों ने क्या किया, क्रांतिकारियों ने चौकी में आग लगा दी, और जो आंदोलन था वो हिंसात्मक हो गया, और गांधी जी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे भाई। इस कारण से उसके 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। एक तो ये मेन है, प्रमुख है। दूसरा, बीच में ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाते हैं, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया जाता है। और 1942 में स्टूडेंट्स इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी 1922 में इन्होंने चलाया। एक इनको स्टूडेंट्स, जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में, तो अंग्रेज़ जो है भारतीयों को सेना में भर्ती कर रहे थे अपनी ओर से लड़ने के लिए, तो वहाँ पर जब इन्होंने इंटरफेयर किया, तो स्टूडेंट्स इनको समझाया गया था कि भाई इस युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 तक, युद्ध के पश्चात हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। इस बात को विश्वास में लेकर के स्टूडेंट्स इन्होंने युवाओं को बढ़ चढ़ कर भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया, और इतना मोटिवेट किया कि इनको भर्ती करवाने वाला एजेंट भी करार दे दिया गया था। अंग्रेज़ों ने इससे खुश होकर के स्टूडेंट्स इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। इसी दौरान स्टूडेंट्स रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो उनको नाइटहुड की उपाधि दे रखी थी, उस रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी उनको अंग्रेज़ों को वो वापस लौटा दी थी। और एक व्यक्ति थे जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी इसी दौरान लौटा दी थी। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ एक संकलन महात्मा गांधी का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स आप करते हैं कि भाई पॉजिटिव रहे हो, नेगेटिव रहे हो, क्या कमियां थी, क्या नहीं थी, क्या अच्छी चीज़ थी, तो स्टूडेंट्स कमेंट्स ज़रूर कीजिए। यदि मेहनत आपको ठीक लग रही है तो और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई सागर क्लासेज रोहतक को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय हरियाणा।